शौक जो है वो तो बचपन से था, लेकिन मैंने नहीं पहचाना था, सॉरी टू से, क्योंकि मेरी थोड़ी सी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी टाउन वाली थिंकिंग है, अगर हम कहें, क्योंकि लेकिन हमारी जो पत्नी है वो जो है वो महानगर से पली बड़ी है, और इनका जो है वो बैकग्राउंड भी थोड़ा सा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंध रखता है, तो इन्होंने जो है इसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया, और क्योंकि मैं जो हूँ थोड़ा सा कंजर्वेटिव पिता की तरह सोच रहा था, लेकिन इन्होंने जो है थोड़ा सा मतलब इस तरीके से सोचा कि एक बहुत ही ब्रॉड एटीट्यूड के अनुसार इन्होंने सोचा, बाकी ये बता पाएंगी कि कैसे क्या है। जी बताइए, आप बताइए। नहीं, एक्चुअली गीति का शौक रहा है, टैलेंट उसका मतलब डांसिंग, सिंगिंग, हॉर्स राइडिंग करती है वो। यहाँ पे उसकी शुरुआत इस पेजेंट के लिए हुई थी जब कॉलेज में गई वो, मिस फ्रेशर बनी वो, जो मेरे लिए भी मतलब बहुत, आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तब भी मैं साथ में थी उसके, मुझे याद है, तो वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए जब उसका फर्स्ट पिक हुआ। ये पेजेंट में अच्छा करेगी मतलब आगे जाके, ये पता ही था मुझको। तो गीति का शौक जैसे पहले था कि ये बनेगी डॉक्टर, सर्जन एक्चुअली। मैम सडनली 8 तक वो सर्जन बनने वाली थी, लेकिन 9th में आने के बाद में परफॉर्मिंग आर्ट्स लेके जब ड्रामा सब्जेक्ट लिया इसने, तो उसका शौक बदल गया, आई मीन एम्बिशन बदल गया, और ये अपने पापा की तरह एक्टर बनना चाहती है, मम्मा की तरह साइंस नहीं करना चाहती है। हमारे एक फ्रेंड है अविनाश पायल, जिसने गीति को देखा था एक बार, और उन्होंने कहा कि एक मुंबई टाइम्स फ्रेश फेस है, यहाँ पे कंटेस्ट है, तो आप इसे वहाँ भेजिए। तो कॉलेज में फेस्टिवल में काफ़ी बिजी रही हो या लास्ट ईयर, तो ये गई नहीं, और हमने भी बहुत लाइटली लिया। बट सडनली इनऑर्बिट मॉल में लास्ट ऐसा ऑडिशन आ गया, तो उन्होंने कहा कि मैम रेखा जी आया है ऑडिशन, आप इसे भेजिए। और उस दिन भी गीति जा नहीं रही थी, लेकिन देयर वाज नो ऑप्शन, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, तो उसे जाना पड़ा, और ये वहाँ जीती। तो उस वक्त भी मैं साथ में थी, तो हम वहाँ पे साथ में मिले एंड हमने इंजॉय किया, एंड देन फिर वो सेमीफाइनल जीती और फाइनलिस्ट बनी, एंड सेकेंड रनर अप आई वो बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस सीजन 11 की। तो इसमें वो है कि ये पेजेंट में पार्टिसिपेट करेगी और उसे आगे जाना है, और TGPSC ऑनलाइन पेजेंट आ गया, और हम खुश हैं कि ये फाइनलिस्ट बनी, और ये अपने मतलब अपने टैलेंट और अपने मेरिट पे आई है यहाँ पे। एज पेरेंट्स हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कहीं नहीं रहा, लेकिन हाँ अब हम कुछ दिनों से इसे हेल्प ज़रूर कर रहे हैं इसमें, सो वी आर हैप्पी एंड प्राउड ऑफ कीति। नहीं, मैंने अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर किया है, और मैं चाहूँगा कि वो आगे बढ़े, क्योंकि हाल ही में मैंने जो है वो चेतन भगत साहब का एक इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं, एक मतलब एक वक्तव्य पढ़ा, जिसमें उन्होंने एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि 25 साल तक की उम्र में अगर बच्चे जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस तक अगर भरपूर मेहनत कर ले, तो उसके बाद जो बिल आएगा उनको वो जो है वो ऐड होके आएगा, और 25 साल तक की उम्र में आपको ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मतलब इसमें यह था कि आप जो भी कर लोगे अगर आप मैरी और ड्रिंक के उसमें होगा तो भी उसका बिल आएगा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि वो क्या होगा ये आपको खुद तय करना है। तो मेरे को बहुत इंस्पायर किया, अगर मेरे टाइम में वो आया होता तो शायद मैं इससे भी बड़ी जगह पहुंचा होता, अगर ये इंस्पिरेशन मेरे मुझे मिली होती, लेकिन फिर भी मैं एक छोटे से टाउन में यहाँ तक पहुँचा। तो मेरे मन में ये आया कि नहीं यार, वी हैव टू डू इट, कोई बात नहीं, अगर इसका इच्छा है तो लेट्स डू इट, और इसको पूरा सपोर्ट करना है। बेटी भी और बेटा भी सब कुछ यही है आपका, जो कुछ है सबकी निगाहें हैं, तो कहीं नहीं लगा आपको कि मुंबई जो हादसाओं का शहर है कहीं नहीं ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि आए दिन ब्यूटी पेजेंट होते हैं उनके नाम पे बहुत कुछ होता है, तो इसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि रेखा जी ऐसे नहीं कर सकती, रेखा जी ने हाँ पूरी, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल मेरे दिमाग में बिल्कुल आया था, और मैंने पूछा भी था यार ये क्या है, ऐसा होता है कि कई बार जो है वो चीज़ें गुमराह भी करती हैं, बहुत सारा आजकल बहुत कुछ हो रहा है ऑनलाइन, मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे फेक फेक वीडियोज़ आते हैं जिसको बाद में जो है वो बताया जाता है कि नहीं ये फेक था ये सही था। तो लेकिन क्योंकि मैंने रेखा पे इसलिए विश्वास किया कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे की, और थोड़ी सी एक इंटेलिजेंट एक सर्कल में रही है, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट से इनका एक संबंध रहा है, और इन्होंने जीवन यहाँ तक जिया ही है, अकेले ही जिया है, तो मैं ट्रस्ट किया मैंने, और आई थिंक इट्स राइट ऑल्सो। और मैंने भी हमेशा यही चाहा कि मतलब बेस्ट लोगों के बीच में मूव करना है हमेशा, जैसे अगर डांस सीखना है तो ऐश्ले लोबो के यहाँ या शावक डावर के यहाँ, एक्टिंग सीखनी है तो खेर साहब के यहाँ या फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या नसीरुद्दीन शाह साहब के मोटले में, अगर हमें ग्रुप ज्वाइन करना है नादिरा जी या कोई भी जो बेस्ट और बेस्ट है उन्हीं के बीच में हमें मूव करना है, तो ये हमारा खुद की भी फितरत यही है, तो हम करेंगे ऐसा।
तो जब मैं फाइनल्स में सिलेक्ट हो गई थी तभी मैंने पापा को बता दिया था, लेकिन पापा इतने बिजी रहते कि पापा के ध्यान से निकल गया। फिर एक दिन मैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बना रही थी, तब पापा ने मुझे पूछा कि ये किसके लिए बना रहे हो, तब मैंने पापा को एकदम डिटेल में सब बता दिया। और एक दिन जब मैंने सुबह जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो बॉम्बे फ्रेश फिश कंटेस्ट के रनर्स अप में ऐसे नाम जब फोटो देखी तो मेरे को लगा अबे यार ये भी है क्या ये जब तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा अरे टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो आ गई, अरे बाप रे तीन बार ये तो मतलब ये तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया। उससे पहले मैं आई एम वेरी सॉरी मैं सीरियसली नहीं ले रहा था, मैं सोचता ठीक है शौकिया रंगमंच जैसे शौकिया रंगमंच करते हैं वैसे ये भी चल रहा होगा। अभी तक फाइनल्स के डेट डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन अभी हमारे हमें टास्क मिलते हैं 2-3 दिन में, हमें क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस बना के हमें अपलोड करने रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए, क्योंकि ये मुझे सिखा रहा है। तो एक चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ कि आप कभी हारते नहीं हो, या तो आप जीतते हो या तो आप कुछ सीखते हो, और मैं TGPSC से बहुत कुछ सीख रही हूँ। अभी 7 सब टाइटल्स थे, जैसे कि मिस स्माइल, मिस टैलेंटेड, मिस फोटोजेनिक, मिस फ्लॉलेस, ऐसे सारे, उसमें से मैं 5 सब टाइटल्स में सिलेक्ट हुई हूँ, जिसमें से एक है मिस पॉपुलैरिटी। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे कि मेरे इंस्टाग्राम बायो पे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @GeetiGaur, उस पर एक लिंक है, उस पर जाके आप मुझे वोट कीजिए और उस पर कमेंट भी कीजिए। तो तिवारी जी की बेटी ऐसे मुझे कॉलेज में तो बहुत बुलाते हैं और पापा के बारे में बहुत पूछते भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्राउड फील होता है मेरे पापा के लिए कि चलो तिवारी जी की बेटी हूँ मैं। लेकिन आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम कि मैं अपने पेरेंट्स को अभी ऐसे बुलाऊं कि ये गीती के मम्मी पापा हैं। और एक चीज़ जो है अभी हाल ही में एक बड़ी बढ़िया बात कही है, इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल लेवल पर मत लीजिएगा, अजय डोवल साहब जो है हमारे, उन्होंने कहा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं कहूँगा लेकिन उन्होंने अपनी एक विचार दिया है कि हमेशा जो है कौन जीतता है, जीतता कौन है, जीतता हमेशा वो है जो शक्तिशाली है। ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, कमज़ोर आदमी कभी नहीं जीतता, तो शक्तिशाली बनना है, बात ख़त्म हो गई, इसके आगे कुछ नहीं। तो मम्मा मेरी हमेशा हेल्प करती है, पापा भी हेल्प करते हैं, लेकिन क्योंकि पापा शूट पे ज़्यादा रहते हैं तो मम्मा मेरी बहुत हेल्प करती है, जैसे अभी क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं तो कभी मैं मम्मा की हेल्प ले लेती हूँ, और वीडियोस बनाती है मम्मा मेरी, शूट करती है मम्मा, हाँ फिर एंगल नहीं सही आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो मम्मा मेरी डायरेक्टर है एकदम। नहीं एक्चुअली देखिए घर में कोई तो होना चाहिए ना संभालने के लिए, तो मैं क्योंकि मैंने जॉब एक्चुअली मैंने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब थी मेरी एक तगड़ी मोटी सैलरी से आपने कहा छोड़ के मैं यहाँ घर पे हूँ, तो डेफिनेटली मैं जितना हो सके मुझसे मैं करती हूँ। मैंने ये भी सोचा है कि मैं एक फोटोग्राफी कोर्स कर दूँ, क्योंकि मुझे कई बार प्रॉब्लम होता है कि मैं किसको बुलाऊँ, फोटोग्राफर अवेलेबल नहीं होते हैं और हम बहुत रेयरली, क्योंकि फोटोग्राफर को बुलाना फिर उनके साथ में जो चाहिए वो मांग करवा के लेना बहुत मुश्किल है, तो मैं ही इसके साथ फोटोग्राफी करती हूँ और कई बार इसके फ्रेंड इसको हेल्प करते हैं, तो बाकी कुछ नहीं, जैसे पेरेंट्स सब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को अपने जो बेस्ट हो, मैं उसके लिए जो बेस्ट होता है मैं जहाँ तक होता है कोशिश करती हूँ। क्योंकि ये ऑनलाइन पेजेंट है तो इन्हें टास्क मिलता है, चाहे वो इनकी तीन टीमें टीम बनी है और टीम में लीडर भी है वो भी संभालती है वो एक टीम अपनी, तो इन्हें टास्क मेरे टास्क में होता है कि क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आपको जवाब देना है, आपका जवाब कंटेंट क्या है, आप कैसे कह रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने कम्फर्टेबल हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब पे इनको मार्क्स मिलता है, और इनके कुछ जूरी बाहर फॉरन से भी हैं, तो जहाँ ये चाहती है कि ये इसे क्वेश्चन लेने थे हम गए भागे भागे वहाँ पे, इसको वॉक के लिए कहीं स्पेस चाहिए, उस वक्त बारिश हो रही थी और उनको वॉक भेजा था, तो हमने गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब ने हमें हेल्प किया वहाँ पे, हम वहाँ गए, तो ये इस तरह से जहाँ पे भी होता है फिलर के टाइप में वो है। और बाकी ये क्योंकि अभी ये पेजेंट में है तो ये काफ़ी वीडियोज़ देखती है कि पहले कैसे हुआ, कौन विनर रहा या कौन क्यों नहीं रहा, तो ये काफ़ी इसके लिए एक प्रोसेस है। और एक बार तो इसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे जिसके लिए हमने कभी सुना ही नहीं कि कौन से पेजेंट में किसने क्या किया था, क्या क्या नहीं, जो बातें हिडन है बेसिकली, सो वो मेरे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस था। और बाकी तो हम एवरी डे ही सीख रहे हैं क्योंकि इन्हें पेजेंट में टास्क मिलता है और ये टाइम पे कंप्लीट करना है और उनका अदरवाइज बंद हो जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है वो जेन्युइन बने, शक्तिशाली बने और किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट ना रहे और किसी से जीवन में कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। एक्सपेक्टेशंस जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, इसलिए अकेले जीवन कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कल को हम हैं और नहीं भी हो सकते कल को, तो क्या, तो वो जो शून्यता होती है
उस समय वो जो शून्यता के बिना जो जीवन होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आज मेरे माँ पिताजी नहीं है मेरे साथ, है ना। संजय दत्त ने भी ये बात कही थी, जब पापा थे, जब दत्त साहब थे, तब मैं जो था आज मैं वह नहीं हूँ। तो उस समय की जो वो बात है ना, उस समय जो मैं शक्ति बटोरूंगा वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। वोटिंग के लिए क्या मैसेज देंगे अपनी बेटी के लिए? यही कि अगर आप समझते हैं कि ये जेन्युइन है, ये सच्ची है, तो इसको वोट दीजिए खूब और इसे विजय बनाइए, बस बात खत्म। तो मैं इंडियाज मिस टीजीपीसी सीजन 7 की विनर बनना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सबटाइटल्स भी जीतने पड़ेंगे। तो एक सबटाइटल है मिस पॉपुलैरिटी, उसके टॉप 10 में मैं हूँ। तो आप जाइए मेरा इंस्टाग्राम पे @geetigaur और लिंक पे जाके मेरे लिए वोट कीजिए। थैंक यू। मैं देखो, मैं तो चाहूँगी कि जीते ही है, क्योंकि इसमें वो सब क्वालिटीज़ और टैलेंट है जो होना चाहिए बेसिकली टाइटल होल्डर के लिए। सो ये अपने पैशनेट है, ये बहुत मेहनत कर रही है, और ये क्योंकि इनका जो ऑनलाइन है, ये बता दो लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंट है तो इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना है, और व्हाट्सएप ग्रुप में इनको हमेशा अवेलेबल रहना है। तो मैसेज कभी भी 24 में कभी भी आता है, एंड टाइम मिलता है कि ये 2 घंटे में करना है या ये रात तक करना है। सो वहाँ पे वो एक अवेयरनेस, तो मैं देखती हूँ कैसे करती है ये, बहुत पीछे पड़ी है ये हर चीज़ के, और डेडिकेटेड है और हार्ड वर्किंग है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और प्लीज अपील करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसे वोट दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन है इसीलिए आपके सपोर्ट के बिना आगे आना बहुत मुश्किल है। आप व्यूज़, वोट्स, कमेंट्स, लाइक, शेयर सब काउंट होते हैं इसके टैलेंट और हार्ड वर्क के अलावा। तो आप लोगों का साथ होगा तो डेफिनेटली जीतेगी, और प्लीज़ इसे वोट करके इसे जिताइए और इंडिया